सर एक क्वेश्चन था कि जो ये गिफ्ट्स की वैल्यू है, मतलब ये जो बेनिफिट्स हैं इसकी वैल्यू है, इसको अगर हम अंडर वैल्यू कर दें तो टैक्स से बच्चा जा सकता है? फेयर मार्केट वैल्यू किस लिए कहते हैं बच्चे? सॉरी सर, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो जब बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ तो फेयर मार्केट वैल्यू वो कहीं से तो डिटरमिन करेगा ना। आप कहेंगे कि इस चीज के, फर्ज कीजिए आप कहते हैं कि जी कंपनी ने मुझे, अक्सर ये होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कंपनी क्या करती है कि डब्ल्यू एम्प्लॉयर को गाड़ी, एम्प्लॉय को गाड़ी लेके दी, ठीक है जी सर, और वो कहते हैं जी 5 साल बाद डब्ल्यू डी वी पे आप ले लें इसको, तो जो ऑक्शन कर देता, ऑक्शन ही ना करता, वो डब्ल्यू डी वी पे दे देता है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज है, 5 साल में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, फर्ज करें 1 करोड़ की गाड़ी थी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20 लाख बन गई, लेकिन मार्केट में ले जाके बेचे तो वो गाड़ी है 50 लाख की। एग्जैक्टली सर, ठीक है, तो अब अगर वो आपको, आप इसे क्या कहेंगे कि वो थ्रू निगोशिएशन तो नहीं गई, ये तो आपको एज ए पॉलिसी दे रहा है वो, तो आप फिर देखेंगे कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो वो जो टैक्स करने वाला है वो कहेगा भाई मैं 50 लाख की क्यों ना लूं इसको, 30 लाख का बेनिफिट आपको दिया है, 20 लाख आप दे रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी थी, तो 30 लाख आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। सर इसमें अब जैसे आप वो घर वाली बात कर रहे थे सर, वो लोकेलिटी के अंदर घर तो चलो मतलब 2 लाख का है रेंट, लेकिन अगर घर की कंडीशन थोड़ी पुरानी है तो वो मतलब अंडर वैल्यू तो किया जा सकता है थोड़ा बहुत। उसके लिए आपको पूरा पहले साबित करना पड़ेगा कि आपका घर पुराना है, वो घर नया है, इस किस्म की चीजें आपको करनी पड़ेंगी तब। अच्छा सर, और उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। खैर वो एक लंबी बहस है कि वो किस तरह, वो टैक्स ट्रीटमेंट्स को हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, हम अभी बात कर रहे थे। तो ये जनाब उसने कहा कि जो अगर एम्प्लॉयर जो है वो खुद घर किराए पे लेता तो उसको जो पैसे पड़ते वो पैसे ऐड होंगे। फिर वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू टेकन फॉर द पर्पस इन एनी केस नॉट लेस देन 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल ऑफ द बेसिक सैलरी और द बेसिक सैलरी वेयर देयर इज नो टाइम स्केल। अच्छा ये पुरानी चीजें थी कि पहले मिनिमम टाइम स्केल आया करते थे। मिनिमम टाइम स्केल आपको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता दूं कि मिनिमम टाइम स्केल होता है, मिनिमम टाइम स्केल होता है, आपको कभी ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ग्रेड देखेंगे ना तो उन ग्रेड के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 45,000-2500-66, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, इसे कहते हैं MTS MTC, मिनिमम टाइम, सॉरी MTS MT मिनिमम टाइम, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा इसमें ये जो पहले वाला 45,000 है, दिस इज द स्टार्ट बेसिक सैलरी, ठीक है, 2500 जो है ये है अमाउंट ऑफ 1 इंक्रीमेंट और 65,000 है हाईएस्ट बेसिक सैलरी ऑफ दैट ग्रेड, ठीक है। अब फर्ज कीजिए एक आदमी ने, फर्ज कीजिए हम कहते हैं जी ये 17वें ग्रेड की सैलरी है, अब 45,000 से ये बंदा स्टार्ट हुआ था, इसकी पहली इंक्रीमेंट लगी, तो यहाँ पे फर्ज करें वो कहते हैं जी इसकी हमने 3 इंक्रीमेंट लगा दी, तो 3 इंक्रीमेंट का बेसिक का मतलब होता है 2500 ÷ 3। अब इसने स्टार्ट लिया था 45,000 पे, तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी बन गई? 52,500। अब इसी तरह फर्ज करें इंक्रीमेंट उसकी इकट्ठी लगा दी, उसकी 10 इंक्रीमेंट्स लगा दी, अब सैलरी कितनी हो गई?
बोल नहीं रहे यार। अबू बकर है आज मौजूद क्या? नहीं। जी सर, हाजिर हाजिर। हाँ अबू बकर, फिर बताओ, इसकी सैलरी 70,000 हो गई, जबकि इस ग्रेड में मैक्सिमम सैलरी 65,000 होती है, तो अब यहाँ पे इसका ग्रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है? जी सर। और अगर ये जब तक ये 65,000 से नीचे रहेगी, तब तक वो 17वें ग्रेड ही में रहेगा। अब फर्ज कीजिए यहाँ पे 7 इंक्रीमेंट लगती तो 62,500 होती, तो अभी ये ग्रेड 17 में ही रहना, क्योंकि इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 62,500 है, जबकि इस ग्रेड की जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी थी वो 65,000 थी। तो अगर ये बढ़ जाता है तो फिर ये ग्रेड चेंज करना पड़ता है। अब क्योंकि इसी को कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल, ठीक है? ये इस तरह लिखा जाता है। क्लियर हो गया? जी सर जी, क्लियर। ओके, सो इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू टेकन, अब थोड़ा सा बस कर दें, बस ये आखिरी है मियां प्यारे, बात सुनो, बीच में तो कोई चीज नहीं छोड़ी जा सकती ना, ये छोड़ी जा सकती है। अब ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ अकोमोडेशन पे हम पहुंच गए हैं, और ये इसका, हाँ ये आखिरी 14वां आखिरी, और 14वें में भी जो है वो डेफिनेशन दी हुई है सिर्फ, तो 13वां आखिरी है इसका, एक रह गया 12वां हम पढ़ रहे हैं, तो एम ही शोर मचा रहे हैं। अब ये तो पढ़ लो सर, ये तो इतना तो पढ़ लो यार, एक सेक्शन भी पूरा नहीं पढ़ रहे आप, और मैंने आपको सैलरी पढ़ानी है क्योंकि लास्ट पीरियड अब आपका आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब वो ये क्या कहता है सर, कि आज लास्ट नहीं सर, आज लास्ट नहीं, नहीं नेक्स्ट लास्ट होगा, कल कल था ना लास्ट, वो कल तो छुट्टी होगी सर, वो एग्जाम के बारे में भी वो बातचीत करनी है चीजें वगैरह, तो सर इसको थोड़ा सा, कल से छुट्टी है सर हमारी, हाँ ना, तो कल से छुट्टियां 31 मई तक छुट्टी है ना सर, एग्जाम डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू फॉर द पर्पस शैल इन इन एनी केस नॉट बी लेस देन 45% ऑफ द एमटीएस और बेसिक सैलरी, यानी कि अगर आपने उसको ऐड करना है तो किसी भी सूरत में वो 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, अब एमटीएस तो चलते नहीं है, बहरहाल जहां एमटीएस हो वहां एमटीएस, जहां एमटीएस नहीं है वहां बेसिक सैलरी के 45% से कम नहीं होने चाहिए, और अगर आपने किसी जगह पर 30% किसी वजह से अलाउंस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो फिर मिनिमम 30% होना चाहिए। ये दोनों मैंने प्रोवाइजो पढ़ दिया आपको। तो अब होगा क्या कि एक तो ये है कि पहली पहली सूरत हाल अकोमोडेशन की क्या है कि अगर एम्प्लॉयर खुद जाके ओपन मार्केट में वो लेता तो जो उसे कॉस्ट पड़ती वो ऐड होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है तो इन एनी केस वो 45% ऑफ द बेसिक सैलरी से कम ऐड नहीं कर सकते आप, आपने मिनिमम 45% ऐड करना है, ठीक है? और अगर वो किसी वजह से कहीं पे 30% अलाउड है तो वो फिर 30% ऐड करेंगे, दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारी हो गई जो है एकोमोडेशन भी हो गई। अब वो ये कहता है वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉई विद अ परक्विजिट व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 सॉरी व्हिच इज नॉट कवर्ड बाय सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 12 द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स to the employee under the head salary for that year shall include the fair market value of the perquisite. यार इसको मैं मोटे मोटे लफ्जों में अगर आपको कहूँ ना, जहाँ पर आपको अमाउंट ना दी हो वहां पे आपने सीधा काम ये करना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ के उसकी सैलरी में ऐड करना, मोटा मोटा काम ये है। वैसे मैं आपको निटी ग्रिटीज में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वो सीधा सीधा सा काम ये है कि जहाँ पे आपके अमाउंट डिटरमिन नहीं हुई हुई या कोई चीज इन काइंड दी हुई है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़नी है और उसकी सैलरी में ऐड कर देनी, ठीक है? फर्ज कीजिए आपने लेक सिटी ग्रुप में जॉब कर ली, ठीक है? लेक सिटी ग्रुप वालों ने, बीइंग एन एम्प्लॉई, आपने 5 साल वहां सर्व किया, उन्होंने आपको एक 10 मरले का घर जो है एज ए गिफ्ट या एज ए टोकन ऑफ योर सर्विसेज दे दी। अब उस घर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जिस टाइम वो आपको दे रहे हैं वो आपकी सैलरी में
क्या होगी? वो बोलो तो सही, ऐड होगी सर। हाँ जी ऐड होगी, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने आपको बताया था बेंचमार्क रेट का जिक्र हुआ था ऊपर, कि बेंचमार्क रेट क्या है वो लोन का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो कहते हैं बेंचमार्क रेट मींस फॉर द टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 अ रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम था फर्स्ट जुलाई को जो टैक्स ईयर शुरू हुआ था उसको। फॉर द टैक्स ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर रेफर टू इन क्लास वन द रेट ऑफ ईच सक्सीडिंग ईयर each successive year taken at 1% above the rate applicable to the, for the immediately preceding tax year but not exceeding 10% per annum in respect of any tax। तब क्या होगा कि 1st जुलाई से आपने 5% लेना है, उसके बाद 1-1% बढ़ाना है, तो यहाँ तक के 10% तक वो आ जाए, 10% से ज्यादा आपने रेट नहीं लगाना, ठीक है। सो मैक्सिमम रेट जो है वो 10% लग सकता है लोन को। सर्विसेज इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ एनी फैसिलिटी, यूटिलिटीज इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर एंड टेलीफोन। क्लियर? यस सर। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको सैलरी का एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा और सैलरी की टैक्सेशन, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम समझा दूंगा आपको, तो सैलरी की टैक्सेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए इतना ही काफी। एग्जाम के बारे में डिस्कस कर ले। हाँ बताओ जी एग्जाम के बारे में, अभी तो आपको मैंने असाइनमेंट इस दफा एग्जाम दे रहे हैं आप। यार इस दफा आपको कम से कम मैं एक सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल दूंगा, एक मैं आपको प्रोबेबली दूंगा टैक्स ईयर कैलकुलेट करने का, फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल या कंपनी या एओपी रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर मैं सैलरी की टैक्सेशन पे न्यूमेरिकल दे सकता हूँ आपको, जो कि अगली दफा मैं आपको करवाऊंगा भी, ठीक है सर। एमसीक्यूज नहीं देंगे आप इस दफा? एमसीक्यूज भी होंगे लेकिन न्यूमेरिकल 3-4 होंगे इस दफा। सर देखिए लास्ट नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास है, तो अगर आपने अगर इस तरह का कुछ करना है तो सर एक रिमीडियल सेशन कर दें, ये जो लास्ट क्लास है उसको एज अ रिमीडियल सेशन कर लें और जो आपने फाइनल पे देना है। यार तुम एक सेशन कह रहे हो, मैं तुम्हें 2-3 सेशन कराने को तैयार हूँ भाई, लेकिन करने वाले तो बनो ना, तुम तो एक सेक्शन पढ़ के तो हाथ खड़े कर देते हो। सेक्शन की बात नहीं कर रहा सर मैं, हाँ सेशन सर, सेशन रिमीडियल सेशन। चाचा मुझे भी समझ आती है, मकर सेशन ही कह रहे हैं सर, सेशन ही कह रहे हैं। मैं भी सेशन ही कह रहा हूँ कि सेशन रोजा लग गया बच्चे अबू बकर जरा बहुत भूखा आज ओ बच्चे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सेशन क्या करना है, सेशन करने के लिए पहले सेक्शन पढ़ना जरूरी है ना, सेक्शन पढ़ोगे तो सेशन करोगे ना। तरी जितने पढ़ ली उनके लिए कर लो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये ऐसे है कि ये जो शेयर स्कीम है ना, ये मैं आपको करवा दूंगा तो आपकी सैलरी की टैक्सेशन पूरी हो जाएगी, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है सर। ये सबमिशन बेस्ड ही है ना फाइनल हमारा? हाँ सबमिट करेंगे आप। सॉरी सर और किस तरह करेंगे सर? ये सबमिशन बेस्ड थोड़ा ज्यादा रखना सर। क्या ज्यादा रखना सर? टाइम कोई हफ्ता एक रख लें सर, कम से कम दो हफ्ते ना रख लें। नहीं सर बेहतरीन हो गया सर, फिर तो 3 घंटे का उसी तरह होगा जैसे पहले था, और इसी तरह होगा कि इसमें 50% आपको मैं दूंगा एमसीक्यूज। सर एक काम करिएगा फिर सर, वो आपने पहले क्वेश्चन बैंक दिया था जी, बिल्कुल वो क्वेश्चन बैंक दे दीजिएगा, उसी के अंदर से आप एग्जाम दे दें प्लीज, ये कर लें सर जाते जाते आप। मैं ये कर सकता हूँ आपको क्वेश्चन बैंक दे दूं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगा वो होंगे वैसे ही जैसे क्वेश्चन बैंक में होंगे, लेकिन वो नहीं होंगे जो क्वेश्चन बैंक में। स्टेटमेंट सर दूसरा सर, और ये न्यूमेरिकल्स हैं तो सर आपने जो क्वेश्चन बैंक देना है उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स देनी है आपने। अब जैसे आपको मैंने सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल करवाए थे ना, ठीक है
अरे सर आप क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं, जिस तरह भाई सुन लिया करो ना, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल करवाए थे ना मैंने तुम्हें, उससे आसान दूंगा मैं, ठीक है, बेहतर दूंगा आसान दूंगा, वो तो मैंने एडवांस लेवल पे। एक तो सैंपल पेपर बना दीजिएगा पहले ना जरा काइंडली। चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको जो सर हम सॉल्व कर लेंगे असाइनमेंट के तौर पे, मैं आपको 5 सवाल सेल्स टैक्स के, 5 सवाल इनकम टैक्स के बना के दे दूँ, ठीक हो गया? असाइनमेंट के तौर पे नहीं सर, क्वेश्चन बैंक दे बस। ओ भाई असाइनमेंट भी तो तुम्हारी पड़ी है अभी सर, ईद भी आ गई है सर, ईद में हम कैसे खुदा के लिए रहम करें आप। ईद भी आ गई, देखो मेरी बात सुनो, मेरा आज जो है ना, मेरा बात सुनो, आज 27वीं है ना जी सर, हाँ तो आज मेरा खत्म है अरतुरुल शरीफ था, मैंने आज अरतुरुल के 5 सीजन पूरे देख लिए। क्या बात है सर, ठीक है, स्पॉइल करते हैं सारों को। तो आज मैंने 5 सीजन पूरे देख लिए, और पूरे सीजन देखने के बाद मुझे एक चीज पता लगी कि मुसलमान जो है ना उनको सिवाय गद्दारी के किसी ने नहीं मारा, और हम वो जो इलामा इकबाल का शेर पढ़ते हैं ना, पांचवा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो अगर अगर इस्लाम को जो है वो पांचवा सनम खाने से मिलते हैं, तो सनम खाने वालों को भी गद्दार जो है ना मुसलमानों से ही मिलते हैं। क्या बात है सर, ठीक है ना सर, एग्जाम का जो आप टाइम कह रहे थे 3 घंटे से, वो बड़ा कम है, उसको ज्यादा कर दे सर। यार वो इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, तुम यकीन करो, इतने अच्छे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल ज्यादा तंग करते हैं सर, बहुत कम छोटे छोटे। कौन बोला, मोमना बोली है ये, और आफरीदी बोल रहा है ये साथ जी सर। आफरीदी क्या हो गया यार, सर आपने थोड़ा बहुत शॉक दे दिया सर, न्यूमेरिकल अगर हो तो कम से कम 2 दिन का टाइम तो दे दें आप। चलो देखते हैं ना उसका क्या सर करेंगे सर। अच्छा एक चीज मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप सैंपल पेपर या टेस्ट बैंक देंगे ना, उसमें से आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं खास तौर पे उनका सोल्यूशन साथ आपने अपलोड करना है, आप वैल्यू चेंज कर दीजिएगा लेकिन सोल्यूशन लाजमी अपलोड करना है। वो तो ऐसे ही होता है हर दफा जो मतलब पेपर दिया जाता है। देखो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादातर आपको MCQ दूं, ठीक है जी सर। अब सर लेकिन मेरी बात सुने, आप जो MCQs देंगे उनमें भी तो एक न्यूमेरिकल टाइप की होगी, मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद फिर कोई आंसर नहीं यार, नहीं, जरूरी नहीं, थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे, एक आधा न्यूमेरिकल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा सर। बस क्वेश्चन बैंक दे दें सर, उसमें सही देना सर, क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा यार। हाँ जी सर, वो बाद में चाहे आप वैल्यूज चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, मतलब कि अगर क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत, चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। अब फिर ऐसे करते हैं, लेट्स एग्री ऑन समथिंग, ऐसे करते हैं 75% MCQ कर लेते हैं और 25% बात ये है कि मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी जो है वो परसेंटेज अच्छी रहे, लेकिन साथ में ये भी चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप याद रखें, ठीक है ना, और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि चले ऐसे कर लेते हैं 80-20 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, 80-20 टाइम टाइम देख लेंगे ना, MCQ जब 80% हो गए फिर टाइम 3 घंटे, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा चलो टाइम के ऊपर हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस, बात सुनो टाइम के ऊपर नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों में से कौन कौन हाजिर है भाई, 16 बंदे आए हुए, 2 बंदे नहीं आए हुए, 2 कौन कौन से हैं बताओ सर। एक तो 7 फवाद नहीं है, और दूसरा सर काजी अहमद मुनीर खान, पिछली दफा भी नहीं। हाँ, काजी नहीं है। एक साद नहीं है, साद नहीं है सर, साद नहीं है, और अहमद मुनीर काजी नहीं, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो ना, मैं अटेंडेंस आप लोग, चलो मैं पहले ये बंद करूं, क्या नाम लेते हैं अपना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो